तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सब लोगों को अपने इस क्वेश्चन पेपर के लिए किस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको ए टू जेड क्वेश्चन बताऊँगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। लेखांकन की पद्धति जिससे उत्पादन की प्रति इकाई लागत निकाली जाती है उसे कहते हैं, तो देखो उसको कहते हैं लागत लेखांकन, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर आएगा। सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा लेखांकन में लाई जा सकती है। देखो इसमें आपका आ जाएगा ये सभी। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, कब किया गया, सन 1494 में। ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। चेक एक बेचान साध्य विलेख है, तो देखो यहाँ पर आपको ये लिख देना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। भवन के निर्माण पर भुगतान की गई मजदूरी खाते में डेबिट की गई, यह अशुद्धि है, तो देखो इसको कहते हैं सैद्धांतिक अशुद्धि। इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें और पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6, पूर्वदत्त वे तो दिखाया जाता है, तो देखो संपत्ति पक्ष में इसको दिखाया जाता है। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी पढ़ लें। प्रश्न नंबर 2 लिखा है जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। नगद बट्टे का लेखा व्यापारी की पुस्तकों में किया जाता है। उसके बाद में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 वर्ष को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है लुकास पेसियोली को। उदार क्रय का लेखा क्रय वही में किया जाता है। द्विपक्षीय अशुद्धियाँ तलपट को प्रभावित करती है। सभी प्रत्यक्ष करों को व्यापार खाते में लिखा जाता है से पूंजी घटती है, तो देखो किससे, हानि से, आरण से व आरण पर ब्याज से पूंजी घटती है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ तक कि आप सबको बता दिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख लो। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, यहाँ से आप लोग इनको देखते चले और अच्छे से पूरा समझ भी लें। जोड़ी मिलान में आपको सबसे पहले करना है स्वामी पूंजी का प्रतिफल होता है लाभ। लेखांकन अस्तित्व की मान्यता व्यवसाय उसके स्वामी से पृथक है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोहरा लेखा प्रणाली पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। संपत्ति का क्रय इसको लिखेंगे मुख्य जनरल में। आयकर विभाग द्वारा मान्यता, तो देखो क्रमागत हास पद्धति इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देनदार खाता, तो देखो उधार विक्रय की राशि। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे देना है। पहला क्वेश्चन, सामान्यतः लेखांकन अवधि कितने समय की होती है, तो देखो 1 वर्ष की होती है। संपत्ति खातों में शेष क्या होते हैं, तो देखो डेबिट होते हैं। यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। माल वापस आने पर किस बही में लेखा किया जाएगा, विक्रय वापसी बही में लेखा किया जाता है। बैंक द्वारा ग्राहक के खाते की नकल के रूप में कौन सी पुस्तक दी जाती है, देखो पासबुक दी जाती है। उसके बाद में माल विक्रय करने पर लेखा पुस्तकों में ना करना कौन सी अशुद्धि है, तो देखो इसको कहते हैं भूल चूक की अशुद्धि, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन, चुंगी को किस खाते में लिखते हैं, तो देखो चुंगी को व्यापार खाते में लिखा जाता है। डूबत ऋण का संबंध किससे होता है, तो देखो देनदार से होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसरों को आप लोगों ने समझ भी लिया होगा और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर भी आ जाओगे। तो आप लोग इनको देख लें। अब इसके बाद में देखो सत्य सत्य वगैरह यहाँ से देख लो आप सब लोग। सत्य सत्य में दो पक्षी अवधारणा दोहरे लेखा प्रणाली पर आधारित है, बिल्कुल सत्य है। लेखांकन में होने वाली अशुद्धियों को काटकर संशोधित किया जा सकता है, ये भी असत्य होगा। भूमि पर प्रायः हास नहीं काटा जा सकता, ये भी सत्य है। वेतन प्रत्यक्ष व्यय का एक उदाहरण है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जब अंतिम रेतरिया तलपट में दिया हो तो उसे केवल चिट्ठी में लिखते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है, देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। देखो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी सत्य असत्य वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इनको देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, 7वां क्वेश्चन ये दिया गया, 8वां 9वां, ये सभी के सभी क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है, 13, 14 और इसके बाद में देखो 15, 16 ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। सकल लाभ से क्या आशय हैं, इन प्रश्नों को पढ़ लें। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की 3 मदों को समझाइए। दायित्व के भेद आपको बताने हैं। खाता बही के कोई 4 लाभ आपको बताने हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। लेखांकन के आधार पर अशुद्धियों को वर्गीकृत कीजिए, तो इनको भी आप लोगों को समझ लेना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 को देख ले, प्रावधान एवं संचय में अंतर आपको बताना है।
उसके बाद मेरे को प्रश्न नंबर 23 को देख ले, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर यहाँ तक का अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से हल कर भी आ जाओगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।